हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आईटीआई की दो ट्रेड होती हैं, क्या वाकई में उसके बीच में तुलना की जा सकती है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं कि सुनी सुनाई बातों में एक दूसरे को सुन के एक दो जगह सुन के बोलते हैं कि भाई फिटर ट्रेड अच्छी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अच्छी है, बाकी ट्रेडों के नाम लेते हैं। तो बिना जाने बिना पूरी नॉलेज के अगर उनको अवेयरनेस नहीं है, पैसे ही बोल देते हैं कि भाई ट्रेड बेकार है, ये ट्रेड ऐसी है, इसका नाम नहीं सुना। तो ये समझ लीजिए कि आप इस ट्रेड में अभी नए हैं, इस फील्ड में नए हैं। अगर किसी ट्रेड का आपको नाम नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेड खराब है। नॉर्मली बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अक्सर वो दो ऐसी ट्रेडों के बीच में तुलना शुरू कर देते हैं जिनका कोई भी बिल्कुल अलग अलग फील्ड है, अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग वीकनेस है, उसकी तुलना बिल्कुल बिल्कुल भी करना सही नहीं है। उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि अगर फिटर और जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो अगर एक चक्कू के समान है, और इसी तरह से अगर दूसरी ट्रेड की बात करें, अगर कोई टर्नर ट्रेड की बात कर रहा है या मशीनिस्ट ट्रेड की बात कर रहा है या प्लम्बर ट्रेड की बात कर रहा है, तो वो एक तरह से सुई धागा होगा। तो नॉर्मली लड़के क्या सोचते हैं कि अगर इलेक्ट्रिशियन और फिटर एक एक तलवार है तो उसके बीच में इसका क्या काम होगा, नहीं कि वे सुई धागा क्या कर लेगी। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो तलवार की जरूरत या चक्कू की जरूरत केवल आपको युद्ध में ही पड़ने वाली है। अगर कहीं पर बर्फ पड़ी है, बहुत ठंड का इलाका है और वहां पर आपके पास सुई धागा नहीं है, तो आपकी मौत वैसे ही हो जाएगी। सेम अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि तलवार काटने के लिए है, चीरने के लिए है, फाड़ने के लिए है, वहीं सुई धागा दो चीजों को सिलने के लिए है, ताकि हम अपनी डिफरेंट मौसम में अपनी हम अपने आप को सर्दी से बचा सकें, या फिर इनकी दोनों की वर्किंग टोटली अलग है। तो अगर कोई इंसान इन दोनों की तुलना शुरू कर दे कि भाई ये इससे बेटर है या इससे बेटर है, तो ये एक मूर्खता ही कहलाएगी। सेम अगर आप इस चीज को इस तरह से समझ रहे हैं तो आप ट्रेड की तुलना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि हर एक ट्रेड की जो क्वालिटीज हैं, जो वीक पॉइंट है, वो अलग अलग हैं। कभी भी एक ही तराजू से सारी ट्रेड को मत आके, क्योंकि इसमें आप भारी भूल करेंगे। जिस तरह से आप देखेंगे कि भाई जो ताले होते हैं, हर एक ताले की चाबी अलग होती है, कभी भी एक चाबी से डिफरेंट ताले नहीं खुलते, उसी तरह से हर एक जो ट्रेड है उसका स्कोप अलग है, उसकी कीज अलग है। जब गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो अगर उसमें कारपेंटर की पास वैकेंसी है तो उसमें कारपेंटर वाला ही आएगा। आप कितने बड़े भी तीतर हैं, आपने इलेक्ट्रिशियन से करी है, फीटर से करी है, किसी भी बड़ी ट्रेड से करी है, आपको वो वैकेंसी नहीं मिलने वाली, उस जगह पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप ये बोलेंगे कि मैं तो फीटर से हूं, इलेक्ट्रिशियन से हूं, इतना कॉम्पिटिशन, इतनी बड़ी ट्रेड है और मेरे को कारपेंटर वाली मुझे दे दो तो भैया लात मार के भगा देंगे। ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अगर आपकी आपका फोकस केवल गवर्नमेंट जॉब है तो ये समझ लीजिए ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिशियन फीटर के अलावा दूसरी बहुत सारी ट्रेड है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, छुपी हुई ट्रेड है जिनकी तुलना अक्सर लोग इलेक्ट्रिशियन फीटर से करते हैं, इसी वजह से मात खा जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं तो ऐसी ट्रेडों के बारे में भी देखें समझें जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जैसे कि टर्नर है, मशीनिस्ट है, प्लंबर है, कारपेंटर है, वेल्डर है। ये ट्रेड ऐसी हैं जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर लड़का ध्यान से इसको करता है, पूरे प्रैक्टिकल थ्योरी पे ध्यान देता है, गंभीरता से अपनी ट्रेनिंग को लेता है, थ्योरी में बहुत स्ट्रांग रहता है, तो ऐसी कंडीशन में एक फिटर इलेक्ट्रिशियन से कहीं ज्यादा जल्दी उसकी गवर्नमेंट जॉब इस ट्रेड से, इन ट्रेडों से लग जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि हर लड़के इन दो ट्रेड के पीछे इतना क्यों भागते हैं, उनके अंदर यह विजन नहीं रहता। भेड़ चाल में जो सबको कर रहे हैं आपको भी वही करना है। अरे भाई, जब सारे ही फिटर इलेक्ट्रिशियन के पीछे भाग रहे हैं तो समझे ना कि कॉम्पिटिशन और ट्रेड में अपने आप कम हो गया। अभी तो ये चैनल है, इसी तरह से दूसरी अवेयरनेस बच्चों में आ रही है, लेकिन आप ये समझें कि ये बहुत समझदारी है। यही वजह है जब नॉर्मली जब मेरी हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी, ज्वाइनिंग के टाइम पे भी मैक्सिमम जो सीट्स थी फिटर में थी, जो आईटीआई में टीचर बनने की जो उत्तराखंड में वैकेंसी आई थी उसमें मैक्सिमम जो सीट थी फिटर ट्रेड में थी, और मैं पॉलिटेक्निक वाला था। तो मैंने दिमाग लगा लिया था कि भाई ये तो भेड़चाल होगी, जब जितने भी पॉलिटेक्निक वाले होंगे वो देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो फिटर में है और वो उसमें भरेंगे, जिसकी वजह से उसकी मेरिट हाई जाएगी। सेम ऐसा ही हुआ, यही वजह थी मैंने टर्नर ट्रेड को सिलेक्ट कर लिया। मुझे मालूम था कि सब लोग वहां भीड़ वहां जाएगी, कंपटीशन वहां जाएगा, और कम कंपटीशन मैं वो ट्रेड चूज करूंगा जिसमें कंपटीशन कम है। यही वजह है मैंने टर्नर ट्रेड चूज करी और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। उसका कारण यह है कि जो जब फिटर ट्रेड की मेरिट बनी, सिलेक्शन लिस्ट बनी, उसमें उसकी मेरिट 65% पे गई, 100 में से 65 नंबर वालों से लिस्ट बननी शुरू हुई, और वहीं जो टर्नर की थी वो 55% के आसपास से लिस्ट बननी शुरू हुई। मेरा दोस्त और मैं एक साथ तैयारी कर रहे थे, उसके नंबर मेरे नंबर बिल्कुल सेम थे, फिर भी क्योंकि उसने फिटर ट्रेड भरी हुई थी, उस कॉम्पिटिशन की वजह से पॉलिटेक्निक वाला था, वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और क्योंकि मैंने दिमाग लगा लिया था कि भाई भीड़ यहाँ बढ़ेगी, कंपटीशन यहाँ बढ़ेगा, और टर्नर ट्रेड में भरा, तो ऐसी कंडीशन में मेरा सिलेक्शन आईटीआई के टीचर के पोस्ट में हो गया। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है,
अब मेरी मेंटेलिटी ही ऐसी है कि जब भी कोई काम करने जाता हूं मैं देखता हूं कि आम आदमी क्या कर रहा है। तो अगर आम आदमी मैक्सिमम वो कर रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में होता है कि जब आम आदमी कर रहा है तो भीड़ बढ़ा लेगा, वहां पर गंद फैल जाएगी, ऐसी कंडीशन में मेरा जाना समझदारी नहीं है, हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। तो अगर ये अगर आप समझ सकते हैं, इतनी अक्कल आपके अंदर है, तो आपके आगे आपकी आईटीआई के ट्रेड से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो हर ट्रेड को गंभीरता से ले, और इस चैनल में आपको हर ट्रेड के बारे में प्लस माइनस पूरी डिटेल में बताया जाएगा। अगर वाकई में हाँ, मैं मानता हूं आईटीआई की कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो बेकार हैं, जिनको करके आपकी उतनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी, तो उसके बारे में मैं स्पेशली बता दूंगा कि ये ट्रेड है जिनका स्कोप बहुत लिमिटेड है, इन ट्रेड से बिल्कुल मत कीजिए। अदरवाइज आईटीआई की जो 80% ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, और लिमिटेड स्पेशल वैकेंसीज आती हैं आपकी, अगर उस ट्रेड का आईटीआई क्या वाला लड़का मिला तो ही वो वैकेंसी फुलफिल होगी, अदरवाइज वो फुलफिल नहीं होगी, दूसरी ट्रेड का लड़का उसको नहीं भर सकता। ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। आप नॉर्मली देखिएगा कि जब आप 10th करते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने पीएचडी कर रखी है, अगर कहीं 10th पास की एक वैकेंसी आ जाए तो आपको पता है वो 10th वाला भी भरेगा, वो 12th वाला भी भरेगा, वो ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, वो पीएचडी वाला भी भरेगा। तो कारण क्या है कि 10th है वो सबने कर रखी है और कॉमन है, तो ऐसी कंडीशन में कितना गन फैलेगा, कितना कॉम्पिटिशन होगा वहां। वहीं जब आईटीआई की एक वैकेंसी निकलती है एक ट्रेड की, तो उस ट्रेड में आप समझिए केवल उस ट्रेड का आईटीआई किया हुआ ही लड़का आएगा, उसमें ना वो पॉलिटेक्निक वाला भी नहीं आ सकता। कितनी मजे की बात है, देखिए अगर आईटीआई की वैकेंसी है, टर्नर ट्रेड की वैकेंसी है, तो वहां पर पॉलिटेक्निक वाला भी नहीं भर सकता, ना वो बीटेक वाला भर सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है, इसको आपको समझनी पड़ेगी। सेम अगर वो फीटर ट्रेड की वैकेंसी आ गई है, तो फीटर ट्रेड में पॉलिटेक्निक वाला नहीं भर सकता, बीटेक वाला नहीं भर सकता। इसी तरह से इंजीनियरिंग लाइन के जो पॉलिटेक्निक का कोई जॉब निकलती है, तो वहां पर बीटेक वाला अप्लाई नहीं कर सकता उसको, ना ही आईटीआई वाला कर सकता है। तो इतनी यूनिक हो जाती है, ये पॉइंट्स इतने यूनिक हैं, अगर आपके समझ में आ जाए तो आप बड़े मजे से किसी भी ट्रेड से अच्छे से अपनी आईटीआई कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। इस बात को मैं इतना जोर से बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। केवल गधों की तरह गधों को फॉलो मत कीजिए। फिटर हर एक बंदा इलेक्ट्रिशियन फिटर से कर रहा है, तो आपको उस भेड़ चाल से भेड़ सोच से मत करिए, ये आपका भविष्य संवारने जगह बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा जाता है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और ऐसी फिर भी ये काम इनके पीछे पीछे भागेंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्वर्ग का दरबारी होने से बेटर है नरक का राजा बाबू बनकर रहें। अगर कोई छोटी ट्रेड भी है और उसको आप बहुत आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करा, तो वहां पर कंपटीशन बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में आप राजा बाबू की तरह ट्रीट होंगे, और कहीं भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो वैकेंसी आएगी, तो आप बड़े मजे से, क्योंकि आपको अच्छे से नॉलेज होगी, आप वहां पर अपना सिलेक्शन करवा लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।